देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सेंट्रल न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा और सेंट्रल न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। और ये जो आप इस वक्त खूबसूरत वादियां देख रहे हैं, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश की बंजार घाटी की शर्ची पंचायत का है जहां हम अभी मौजूद हैं। तो अब समय हो चला है उस शख्स से मिलने का जो इन सबको एक नयापन यहां पर दे रहा है, जड़ी बूटियों की एक नई दुनिया जिन्होंने यहां पर तैयार की है। तो हमारे साथ मौजूद है यहां पर कुशाल शर्मा जी, जो ये पूरा यहां पर जड़ी बूटियां की देख रेख करते हैं, जड़ी बूटियों को उगाते हैं और उन्हें आप लोगों तक विभिन्न प्रकार से पहुंचाते हैं। और कैसा ये पूरा प्रोसेस रहता है और कैसे ये जड़ी बूटियां जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, कुछ आपको यहाँ पर सूखे पत्ते भी दिखाई दे रहे होंगे, कुछ हरे पत्ते भी दिखाई दे रहे होंगे, ये एक प्रोसेस के तहत यहाँ पर जड़ी बूटी तैयार हो जा रही है और इनका कौन सा पार्ट्स जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है, कौन वेस्ट होता है, कौन सी चीज़ आगे भेजी जाती है, वो तमाम प्रोसेस हम सीखेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरा काम होता है। तो उसके बारे में हमें कुशाल जी बताएंगे। कुशाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सेंट्रल न्यूज में कि आपने हमें समय दिया और आज आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर जो आप ये जड़ी बूटियां उगाते हैं, आप किस तरह से भूमि का चयन करते हैं, किस तरह से जमीन का चयन करते हैं और कैसे आप इनको उगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, तो किस तरह से आप तैयार करते हैं जड़ी बूटियों का प्रोसेस, कैसे शुरू होता है? सबसे पहले हम ये बेडिंग करते हैं, बेडिंग करके फिर बीज को भिगोया जाता है जी। जैसे मान लो जो कुट का बीज है, इसको भिगोया जाता है और फिर इसको लाइन में लगाया जाता है और लाइन टू लाइन, और जैसे लाइन में लगाया और फिर इसका जो पार्ट्स इसका ये है, ये एक वेस्ट मटेरियल इसका, ठीक है जी। जो इसका रूट्स है, रूट्स इसके काम आती है, ये रूट्स इसकी, जी ये जो दिख रहा है आपको ये रूट्स है इसकी दोस्तों, ये रूट्स है इसकी, ये रूट्स काम आता है जी। और ये रूट्स हमारे जॉइंट पेन के काम आता है, जॉइंट पेन, कोई कड़ू पी लो इसका, पेट दर्द के लिए भी ठीक रहता है। तो ये दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि जब ये जड़ी बूटी बनकर तैयार हो जाती है तो किस तरह से इसे निकाला जाता है और क्या चीज़ जड़ी बूटी की जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ये वो जड़ है जिसे आगे तैयार करके बेचा जाता है और ये जड़ी बूटी जो है दवाइयों में ये जो जड़ है ये इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से कुछ इसको निकाला जाता है जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो इतनी सारी जड़ें जो है इसकी निकलती है कुशाल जी और इन्हें आप आगे भेजते हैं और ये अभी लगभग एक साल की है और आपने जैसा हमें बताया कि 3 साल में आप इसको तैयार करके, 3 साल में काफी मोटा हो, 3 साल में काफी मोटा हो जाता है। और इसे लगभग एक पौधे से कितना ग्राम या कितना किस तरह कितना निकलता है ये
एक पौधे से एक किलो ये जड़ी बूटी निकलती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ी ये जड़ी बूटी होगी, क्योंकि अभी ये लगभग एक साल इसे लगाकर हुआ है और अभी ये एक साल की ही है और 3 साल में लगभग ये तैयार हो जाती है। तो ये वो पूरा प्रोसेस है जो जड़ी बूटी जिसके बाद निकाली जाती है, तो ये प्रोसेस भी हमने आपको दिखाया। तो ये जो बेडिंग की आप बात कर रहे हैं, बेडिंग का मतलब यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कि आपने अलग अलग सांचा टाइप एक तरह से इनको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, तो इसको आप बेडिंग कह रहे हैं, मतलब कि बेडिंग की जाती है अलग अलग, इनको डिवीजन किया जाता है इनका। डिवीजन इसलिए किया जाता है कि पानी का ज्यादा इसमें होना नहीं, मक्खर ज्यादा आना नहीं चाहिए इसमें जी, और अगर मक्खर आता तो इसमें सड़न पैदा होगी, तो इसीलिए बेडिंग की जाती है, तो ताकि पानी जो वेस्ट पानी होगा वो ऐसे ऐसे नाली में निकले जी, और ये बेडिंग इसलिए की जाती है कि मक्खर कम हो इसमें। तो यहाँ पर मुझे कुछ सूखे हुए पत्ते भी नजर आ रहे हैं, कुछ हरे हुए पत्ते भी नजर आ रहे हैं, हरे हरे पत्ते भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये क्या प्रोसेस है, ये फसल ये जो तैयार हो चुकी है ये जड़ी बूटी, और क्या ये जो दिख रहा है ये क्या है? सर ये पिछले साल लगाई थी जी, और ये 3 साल का क्या नाम होता है इसका टर्नओवर, और 3 साल के बाहर निकलेगी। अच्छा। और 1 साल में भी सूखेगा पत्ता ऐसा, दूसरे साल में भी ऐसा ही, पहले हरा होगा फिर सूखेगा, तीसरे साल में फिर निकालेंगे और तीसरे साल में मैच्योरिटी में आएगा ये। कहने का मतलब 3 साल तक आप इनको ऐसे ही रखते हैं और पहले 2 साल इनको सुखाते हैं और उसके बाद इनकी जड़ निकाल कर जो है जड़ी बूटी तैयार होती है। तो ये जो यहाँ दिख रही है ये कौन सी जड़ी बूटी है सर, आप बताएंगे हमें? ये कुट 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 जड़ी बूटी है और ये जॉइंट पेन के काम आती है। तो यहाँ पर आपने कुट के अलावा और भी जड़ी बूटी उगाई हुई है जैसे हमें दिख रहा है, बहुत बड़ा प्लांट है, तो आप कोई और जड़ी बूटी के बारे में हमें बताना चाहेंगे? तो ये तमाम तरह की यहाँ जड़ी बूटियां उगाई है दोस्तों, और इस तरह से ये जो यहाँ पर प्लॉट पहले प्लॉट पूरा तैयार किया जाता है, पहले पूरी बेडिंग की जाती है और तमाम जड़ी बूटी यहाँ पर उगाई जाती है। और ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये कौन सी जड़ी बूटी है कुशाल जी? ये चूना है, सॉरी ये अपना मुश्क वाला, मुश्क बोले तो जो आप परफ्यूम वगैरह में या जो भी तमाम तरह की परफ्यूम? अच्छा, तो जो परफ्यूम में आपको खुशबू आती है उसमें ये चीज इस्तेमाल होती है। तो ये देखिए दोस्तों, जो परफ्यूम आप लगाते हैं, जो खुशबू आपके परफ्यूम से आती है वो यहाँ से तैयार होती है। ये वो जड़ी बूटी है, ये वो पौधा है जो परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम क्या होगा खुशाल जी, क्या इसे कहते हैं आपके लोकल लैंग्वेज में? या लोकल लैंग्वेज में नहनू, नहनू, और आमतौर से इसे अगर मुश्क वाला पौधा ये है जिससे जो आपके परफ्यूम में तैयार किया जाता है। तो ये वो जड़ी बूटी है जिसके इस्तेमाल से परफ्यूम सुगंधित हो जाता है और ज्यादा खुशबूदार हो जाता है और अच्छी अच्छी महक आपको परफ्यूम से मिलती है। और थोड़ी और जड़ी बूटियों के बारे में हम जानेंगे क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की जड़ी बूटियां यहाँ लगाई गई है। तो ये सर चोरा है, और ये देखिए ये चोरा है, तो ये किस लिए काम में आता है कुशाल जी? ये पेट दर्द के काम, पेट दर्द के, तो इसका भी वही प्रोसेस है, पहले सूखेगा और फिर दोबारा निकलेगा, फिर सूखेगा, अभी फिलहाल सूखा है और फिर दोबारा निकलेगा। तो ये चोरा है और ये पेट दर्द के काम आता है, पेट दर्द की जो भी दवाई होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। आई थिंक ये 6 महीने में भी तैयार होता है। अच्छा, ये 6 महीने में तैयार होता है। जो इससे पहले हमने जो जड़ी बूटी देखी थी वो उसके लिए 3 साल लगते हैं, जो जॉइंट पेन के काम आती है, कुट जिसे कहते हैं। तो ये जो है 6 महीने में तैयार हो जाता है। तो 6 महीने ये मुश्क वाला हमारा 2 महीने में भी तैयार होता है। अच्छा, तैयार होता है और ये चलता रहता है इसका, तो ये कंटिन्यू है। इसका भी, इसकी भी जड़ी बूटी वैसे ही जड़ इसकी निकाली जाती है या इसका कुछ प्रोसेस और होता है इन दोनों जड़ी बूटियों का, ये जो मुश्क वाला है और ये जो इसकी जड़, जो इसकी जो जड़ है वो आती है परफ्यूम के काम, पाउडर,
और जो आपका ये अपना प्लांट्स है इसका प्लांट्स आता है ऑयल के काम, जो इसका मुश्क वाले का प्लांट्स प्लांट्स जो घास लगेगा उसमें वो ऑयल के काम आएगा, इसका ऑयल निकलेगा। तो और ये चोरा, चोरा ये गैस, ये अपना पेट दर्द जो किसी को होता है, गैस की कमी है, कोई क्या है डायबिटीज की, तो सारा इससे ठीक होता है। तो और कौन सी यहाँ पर, ये कड़ू, कड़ू जी ये किस काम आता है? कड़ू भी है, पेट दर्द के ही काम आता है, कड़वा बहुत होता है। अच्छा, तभी नाम कड़ू है इसका, कड़ू बहुत कड़वा होता है। तो इसकी भी जड़े ही काम आती है कि जड़े आई इसकी काम, इसका जो प्लांट्स होगा ना प्लांट्स निकलेगा, काफी लंबी लंबी जड़े होगी इसकी, तो इसको फिर हम रूट की तरह थोड़े छोटी छोटी निकाल के फिर इसको सेल मार्केट में दे। आमतौर से जो भी यहाँ पर जड़ी बूटियां लगाई जा रही है उसमें एक कॉमन चीज, जड़ी बूटियों की जो जड़ है, जो नाम ही जड़ी बूटी है, वो जड़ का इस्तेमाल ज्यादा होता है दवाई वगैरह बनाने में, या जो भी चीज तैयार की जाती है इनके थ्रू। इसके अलावा और कौन सी जड़ी बूटी यहाँ पर आपने लगाई है और क्या उसका काम है, क्या उसका इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है? ये तो कुट लगी है जी, और बाकी लगी है यहाँ एक स्पीसीज और है यहाँ साथ में लगी हुई, इस स्पीसीज को लग के 2 महीने हो गए क्योंकि अभी ये जनरेट नहीं हुई है। इसका नाम क्या है और क्या काम आती है, क्या है इसका प्रोसेस? पतीश है, पतीश, पतीश। इसका भी वही प्रोसेस है, इसकी भी जड़ निकाल के तैयार की जाएगी। अभी आपने इसकी बेडिंग की है और बीज लगा दिया, बीज लगा दिया है टोटल। अच्छा, अभी बेडिंग की है और ये 1-2 महीने में जनरेट हो जाएगा, 1-2 महीने में ये तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी, इसकी 2 महीने में तैयार हो जाएगा, 2 महीने में पत्ते निकलेंगे और 1 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी आएगी। अच्छा, तो इसके अलावा कुशाल जी, ये एक इतना बड़ा यहाँ पर प्लॉट हमें दिख रहा है, इतना बड़ा प्लांट यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पे आपने लगभग 4 से 5 प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ उगाई गई है, इसमें सबसे जो मेरे लिए जो सबसे एक रोचक बात दिखी वो जो मुश्क वाला पौधा, आपने जो परफ्यूम हम आमतौर से डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उसमें जो इस्तेमाल जड़ी बूटी होती है वो आज हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई। तो ये जो सफ़र है ये शुरू कैसे हुआ, कैसे आपको इसको शुरू करने का आइडिया आया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे कि आप इतना बड़ा प्लॉट आज एक जड़ी बूटियों का एक दुनिया, अलग दुनिया आप यहाँ पर बसा रहे हैं? सर, 10 साल से मैं जड़ी बूटी का काम कर रहा हूँ और पहले हम वन विभाग से परमिशन लेके स्थानीय बर्तनदारों के माध्यम से हम जड़ी बूटी खरीदते थे और बर्तनदार जंगल से लाते थे और फिर हमें देते थे। फिर 10 साल से लगातार हमारा सफ़र चलता रहा और उसके बाद अभी तक यही हमारा चला है। फिर 2 साल से हमने कुछ ये अपनी भारत सरकार की मेहरबानी से एक गाइडलाइन मिली, जन समृद्धि वन समृद्धि, तो इसके तहत हमने BMC का गठन किया। अच्छा, आपका कहना ये है कि मतलब भारत सरकार की ओर से आपको योजना एक शुरू की गई, जो ये आप जन समृद्धि वन समृद्धि योजना कह रहे हैं, जिसके तहत BMC का गठन किया गया जी। तो इसके BMC का गठन करने से आप लोगों को क्या फायदा हुआ? BMC का गठन करने से हमें ये फायदा हुआ, हमें इसका एक सेमिनार JP पंत हॉल में दिया और एक बार नहीं, कोई 3 बार गए हम वहाँ।
तीन चार बार, साल के तीन चार बार हम गए वहाँ। तो वहाँ हमने डॉक्टर कनवाल जी से ये जड़ी बूटी के बारे में पूछा, तो फिर उन्होंने हमें प्रॉपर प्रॉपर गाइड किया कि भाई आप एक कल्टीवेशन अपना निजी भूमि में करो, और जो जंगल की जो जड़ी बूटी है और बहुत अब वो लुप्त होने वाली है, और कई सालों से लोग निकाल रहे हैं, लगा तो कोई नहीं रहा है, अब निकाल ही रहे, लगाने वाला तो कोई नहीं है। फिर हमने ये पहल स्टार्ट की, और ये हमें दो साल हो गई। तो दो साल में फिर डीएमओ साहब ने हमें बात किया हमारे से, तो डीएमओ साहब ने कहा बोला बीएमसी बनाओ, तो बीएमसी का फिर हमने गठन किया। तो फिर जैसे गठन किया और हमने फिर साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमें एक हाइट में फॉरेस्ट लैंड थोड़ी सी दे दो, फिर डीएमओ साहब ने हमें एक एकड़ मीन्स 12 बीघे का हमें ये कल्टीवेशन प्लांट दे दिया। पर यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट हमारा बढ़िया हो गया, वो तो आप भी देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद हमें नहीं थी कि क्या पता अब कुठ लगेगी नहीं लगेगी, अब कड़ू लगेगा नहीं लगेगा, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली मुझे कि हमने ये तैयार करके बताया। और अब हम चाहते कि इसका एक काफी बड़ा हब तैयार हो, और अब हम इतना नहीं, अब हम इसको 3-4 हेक्टर में लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हमारा एक्सपेरिमेंट प्लांट अब तैयार है, क्योंकि हमने जड़ी बूटी लगा दी है, वो आपने देख भी ली है, और इसको निकालेंगे भी हम। और मैं डीएफओ प्रवीण जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने हमारे को इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट प्लांट दिया, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ उनका। और अब जंगल से जो जड़ी बूटी लाते हैं अब कम होगी, जंगल हमारा बचेगा, जड़ी बूटी बचेगी, और बढ़िया हमारा ये जो कल्टीवेशन हम कर रहे हैं और जो हमारे किसान हैं वो टच में रहेंगे, अपनी निजी भूमि में भी लगाएंगे, चलो जो फॉरेस्ट वालों ने जो जगह दी हमें वहाँ भी लगा रहे हैं हम, और अब हम इसको अपने प्लांट में निकालेंगे और निजी भूमि में भी लगाएंगे, और फिर हमारा सारा जो ये सिस्टम होगा, फिर हम चाहते हैं कि एक अब मैं सरकार से ये गुजारिश भी करता हूँ, एक हमें एक प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगे, ताकि किसान का जो माल निकलता है अपना कल्टीवेशन का निजी भूमि से, तो वो एक जल्दी प्रोसेस हो यहाँ, सूखे जल्दी, और ताकि जल्दी उनको हाथों हाथ पैसा मिले और वहाँ कोई बचोलिया के चक्कर में ना पड़े, अब अमृतसर ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, कहाँ ले जाओ, मैं नहीं ये चाहता हूँ। हम चाहते कि हमारा एक छोटा सा प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगे, और ताकि किसानों को भी इंटरेस्ट फील हो कि भाई बढ़िया जो है हमारा ये प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगा, और जड़ी बूटी का अच्छा दोहन होगा, और कल्टीवेशन में जो कल्टीवेशन करेंगे जंगल की जड़ी बूटी भी बहुत बचेगी हमारी, जंगल की जंगल में रहेगी, और जो कल्टीवेशन होगा कल्टीवेशन हम निकालेंगे। हमें चाहिए इतनी जड़ी बूटी निकली कल्टीवेशन से ही हमें फुर्सत ना मिले, हम जंगल जाए नहीं।
कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार की ओर से जो योजना शुरू की गई है जन समृद्धि वन समृद्धि योजना, उसके तहत आप लोगों को एक तो ये जानकारी दी गई कि आप जो है जो जंगली जंगल से जो जड़ी बूटियां लाया करते थे उससे जो वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि जड़ी बूटियों की जरूरत भी थी लेकिन नुकसान भी हो रहा था, तो उस नुकसान को बचाने के लिए भारत सरकार की ओर से ये योजना शुरू की गई है, जिसके जरिए आपको माहौल में सेमिनार भी दिया गया। सेमिनार के जरिए आपको जानकारी दी गई कि किस तरीके से आप जो है ये जो जड़ी बूटियां यहां पर आपने इतना बड़ा जो प्लॉट आपने तैयार किया है, इतनी जो मेहनत यहां पर दिख रही है किस तरह से आप जड़ी बूटी तैयार करते हैं, वो आपको वहां पर बताया गया। और इसके लिए DFO साहब जो आपके यहां पर है प्रवीण जी, उन्होंने आपको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ये भूमि आपको दी है। और अब जो BMC का जो मोटो है, BMC की जो पहल है कि आप अपनी निजी भूमि में ये जो जड़ी बूटी उगाए, वन विभाग की ओर से जितनी भूमि दी जा रही है वो तो है ही है, लेकिन आप एक आत्मनिर्भर बने, ताकि जो प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार जिस आत्मनिर्भरता की बात करते रहते हैं वो आप करें। क्या ऐसा ही कुछ इस योजना के तहत आपको सीखने को मिला, जानने को मिला, क्या ये आपने इससे सीखा क्या है? जी, और ये हमने जेबी पंथ में सीखा। जेबी पंथ में डॉक्टर कनवाल जी ने बोला कि आप अपनी निजी भूमि में कल्टीवेशन करो, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो हमारा जो हम सीड देंगे, बीज देंगे, वो हमारा रहेगा और आप निजी भूमि के लिए किसान तैयार करो। तो उन्होंने ये भी हमें जानकारी दी। तो इस योजना के तहत किसान अगर अपनी निजी भूमि में जड़ी बूटी उगाता है तो उसे सरकार की ओर से पैसा भी दिया जाएगा, आर्थिक सहायता भी की जाएगी और वो आर्थिक रूप से सशक्त भी होगा। तो ये भी इस योजना के तहत है कि कितना पैसा और किस तरह से वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या कुछ प्रोसेस है, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई? सर, डॉक्टर साहब ने ये भी बोला, डॉक्टर कनवाल जी ने ये भी बोला कि बोला अगर आप 1 बीघे में कुठ लगाते हैं, जैसे मैं निजी भूमि में अगर 1 बीघे में किसान कोई कुठ लगाता है तो उसको 8,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। अगर 1 बीघे में कुठ लगाता है तो अगर लगाता है अपना ये पतीश की 10,000 रुपये सब्सिडी है 1 बीघे की। अब हमारे किसान के पास, किसी के पास कोई 20 बीघा है, किसी के पास कोई 10 बीघा है और किसी के पास 2 बीघा है, 1 बीघा है, तो हम चाहते हैं कि सब किसान मिलके ये लगाएं जड़ी बूटी और फिर उसके बाद उनको ये सब्सिडी मिले। बहुत ही अच्छी योजना सरकार की ओर से। चलिए कुशाल जी, चलते चलते बात करते हैं, बहुत ही अच्छी योजना जो है वो सरकार की ओर से लागू की गई है, शुरू की गई है, जिसके जरिए जो है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की एक और पहल की जा रही है। आमतौर से हम किसान जो फसल उगाते हैं, जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, उन किसानों को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ग किसानों का ऐसा भी है जो जड़ी बूटियाँ उगाता है, जिसके लिए भी सरकार सोच रही है, जो उनके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। तो किसानों को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है और लगातार विभागों की ओर से भी इनकी मदद की जा रही है। वन विभाग जैसा लगातार कुशाल जी बता भी रहे हैं कि DFO साहब की ओर से इन्हें जो है योगदान दिया गया, जो ये भूमि यहाँ पर इनको दी गई 1 एकड़ की, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ पर इन्होंने किया और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि किस तरह से ये जो जड़ी बूटियों को उगाया जाए और क्या यहाँ पर उगेगी भी, क्या ये भूमि इसके लिए है, उपजाऊ है। तो ये जो प्रोसेसिंग प्लांट है, ये जो एक्सपेरिमेंट प्लांट है, ये तो इनका यहाँ लगभग हमें दिख रहा है कुशाल जी कि ये लगभग तैयार हो चुका है। तो अब आप इसके बाद कोई और भी आपको जमीन वन विभाग की ओर से दी जाएगी या क्या आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? वन विभाग ने बोला है हमें कि बोला 3 हेक्टेयर बची है जी, 3 हेक्टेयर दे देंगे और वहां भी हमने काम स्टार्ट करना है।
मतलब ये जो आपको एरिया यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ये लगभग एक हेक्टेयर भूमि ये है जहाँ पर ये जड़ी बूटी उगाई गई है। और इसके अलावा अभी वन विभाग की ओर से इन्हें 3 हेक्टेयर और जमीन दी जाएगी जहाँ पर ये जड़ी बूटी उगाएंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो भी इस फील्ड में आए, ताकि जो ये चीज विलुप्त हो रही है, हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, इसको कैसे संजोया जाए, कैसे इससे खुद को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, ये सब यहां पर हमें सीखने को मिलेगा। तो ये जानकारियां हमें तमाम तरह की यहां पर मिल रही है, काफी अच्छी जानकारियां यहां पर हमें दी। किस तरह से आज आपने देखा कि किस तरह से जो जड़ी बूटियों के माध्यम से हम अपने जीवन को एक आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सकते हैं और दूसरों को भी इससे फायदा पहुंचा सकते हैं। तो जो भी किसान भाई इस चीज को इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो भी जड़ी बूटियों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी योजना है। तो अगर कोई भी जिसे इसके बारे में जानकारी ना हो, वो अपने ग्राम पंचायत में प्रधान से इसके बारे में जानकारी ले सकता है और अपने अनुसार, और जो शर्ची पंचायत जहां हम अभी मौजूद है वहां पर कुशाल भारद्वाज जी से, कुशाल शर्मा जी से आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से ये जो चीज शुरू की जाए और कैसे आप आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियां आप लोगों के साथ साझा की और एक नई जानकारी आप लोगों के लिए हम लाए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और जो भी आपकी राय होगी, जो भी आपके सुझाव होंगे या जो भी आप इसके बारे में कुछ और जानकारी पूछना चाहते हैं या जुटाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह की यूनिक जानकारियां लाते रहेंगे और आगे भी इस बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ये जो फसल है ये अभी तैयार हो रही है, अभी इसके लगभग 1 या 2 साल बाद ये बनकर तैयार हो जाएगी और इसकी जो जड़ है उसे आगे भेजा जाएगा, जिससे जो है जड़ी बूटी, जिससे जो है दवाइयां बनेगी, कुछ के जो है परफ्यूम में बनाया जाएगा, कुछ के जो तेल बनाया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस जो है ये यहां से तैयार होता है, इसके बाद जो ये जो जड़ी बूटी है ये फैक्ट्रियों में जाती है और तमाम तरह के प्रोसेसिंग प्लांट से होकर गुजरती है और आपके और हमारे पास कई प्रोडक्ट्स के रूप में पहुंचती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। सेंट्रल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और जो भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।